हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम टेंथ क्लास की इंग्लिश और टेंथ क्लास की इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन ये पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, 5 अंक का 5 नंबर का। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर वन है। एक्सरसाइज नंबर वन क्या है कि भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए कैसे मालूम की जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, भारत एक प्राचीन देश है। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, नो एक्शन है, इसमें कोई कार्य नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इंडिया इज, इंडिया है, एन मतलब एक। देखिए एन क्यों आया है, क्योंकि आगे एंशियंट है, वोवेल से पहले एन आता है। इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन और कंट्री होता है देश। तो क्या निकलेगा इसका मतलब, इंडिया एक प्राचीन देश है। अगर पढ़ें, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी जो संस्कृति है बड़ी समृद्ध है, संस्कृति होती है कल्चर। तो देखिए इट्स होता है इसकी, इट्स होता है इसकी, कल्चर मतलब संस्कृति, इट्स कल्चर इसकी संस्कृति इज है वेरी बहुत रिच मतलब समृद्ध, समृद्ध मतलब अच्छी है। तो ओके, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इस टाइप से इसको बना सकते हैं। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो कैन वाला केस आ गया, ओके, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। ओके, ये आपको बनेगा पेशी बॉयस के अकॉर्डिंग। इट्स इम्प्रिंट, इट्स इम्प्रिंट इस, इट्स इम्प्रिंट इसकी जो छाप है कैन भी देखी जा सकती है, कैन भी देखी जा सकती है, सीन देखी जा सकती है, कैन भी देखी जा सकती है, सीन देखी जा सकती है इन मेनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, बहुत देशों में, तो बहुत देशों में इसकी छाप देखी जा सकती है। ओके, ये पेशी बॉयस का सेंटेंस है, पेशी बॉयस आपको आते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे समझें, यह देश अपने मेलों मंदिरों असाधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो देखिए यह देश, दिस कंट्री इज नोन, यह जाना जाता है, इज नोन जाना जाता है फॉर इट्स, किसके लिए, मेलों के लिए, फेयर होती है मेले, तो मेलों के लिए जाना जाता है, टेम्पल्स मंदिरों के लिए जाना जाता है, सेंट्स साधुओं के लिए जाना जाता है, किसके, साधुओं के लिए, एंड और फेस्टिवल्स किसके, त्योहारों के लिए। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, यह देश अपने मेलों मंदिरों और साधुओं त्योहारों के लिए जाना जाता है, इस टाइप से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आगे है, हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। तो देखिए वी शुड, हमें चाहिए, मेक इसको बनाना, इट्स पॉल्यूशन फ्री, हमें इसे पॉल्यूशन रहित बनाना चाहिए। ओके, शुड का मतलब चाहिए होता है, तो हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए, इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, काफ़ी आती है प्रीवियस एग्जाम में। चलिए, वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।